2010 में जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने एक रिहैबिलिटेशन, एक एमनेस्टी स्कीम इशू की, जिसके मुताबिक जो नौजवान 90s की दहाइयों में पाकिस्तान चले गए थे उनको एक मौका दिया गया वापस आने का और मेन स्ट्रीम का पार्ट बनने का। करीबन 350 फैमिलीज वापस आई और यहाँ पे रहने लगे। ये जो नौजवान थे ये अपनी बीवियों को और अपने बच्चों को साथ लेके आ गए, लेकिन इतने साल गुज़रने के बावजूद जो इनकी बीवियाँ हैं और जो बच्चे हैं उनको सिटीज़नशिप डॉक्यूमेंट्स अभी भी नहीं दिए गए हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत तकालीफ झेलने पड़ रहे हैं। जो इनके बच्चे हैं उनको स्कूल्स एडमिशन्स में दिक्कत हो रही है, जो ये इनकी ये बीवियाँ हैं इनको रोज़गार ढूंढने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। कहीं कहीं पे ये भी सुना गया है कि जो कुछ औरतें हैं इनके हस्बैंड्स की डेथ हो चुकी है, लिहाजा उन पे एक ज़िम्मेदारी बन चुकी है कि वो फैमिली को रन करें, वो रोज़गार कमाएं, लेकिन ये सिटीज़नशिप डॉक्यूमेंट्स न होने की वजह से उनको वो रोज़गार ढूंढने में, उसको तलाश करने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जब हम हमारे मुल्क का सिटीज़नशिप लॉ देखते हैं तो इसके मुताबिक अगर किसी औरत ने एक इंडियन सिटीज़न के साथ शादी की है और वो हिंदुस्तान में 7 साल से रह रहे हैं तो वो सिटीज़नशिप के एंटाइटल बन जाते हैं। इसी तरीके से जब आप एक बच्चे को देखते हैं और अगर उसका एक पेरेंट इंडियन सिटीज़न है और दूसरा पेरेंट इंडिया में इलीगली नहीं रह रहा है तो उसको भी सिटीज़नशिप का हक बनता है। तो आप किसी तरीके से ये नहीं कह सकते कि जो ये औरतें हैं जो पाकिस्तान से आई हैं ये यहाँ पे इलीगली रह रही हैं, क्योंकि ये एक स्कीम के तहत आई हैं और ये स्कीम गवर्नमेंट ने इशू की है। इसमें रियासत की हुकूमत और मरकजी सरकार दोनों ने मिलकर इस स्कीम को इशू किया है। मेरी नज़र में ये एक इंसानी इशू है और इसको उसी नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि जो ये औरतें हैं ये इनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ये लोग अपने मुल्क में आ जा नहीं सकते, अपने रिश्तेदार, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिलीज़ उनसे मिल नहीं सकते, तो नेचुरली ये लोग बड़ी मुसीबत में हैं। तो मैं भी वज़ीर दाखला यहाँ पे आ रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इस इशू को एक इंसानी इशू के तौर पे देखें और जो दो मुल्कों के बीच में अगर जो रंजिश है उसको नज़रअंदाज करके इन लोगों के जो ये परेशानी है, जो ये मसला है, इसको हल करें। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info call on 9469 888 333.